आबकारी निधि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को मंगलवार को फिर झटका लगा है। ताज़ा मामले में दिल्ली के राव रेवेन्यू कोर्ट ने आबकारी मामले से संबंधित ईडी केस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 7 मई तक बढ़ा दी है। सीएम केजरीवाल के साथ ही राव रेवेन्यू कोर्ट ने आबकारी नीति घोटाले से जुड़े सीबीआई केस में बीआरएस नेता के कविता की न्यायिक हिरासत भी 7 मई तक बढ़ा दी है। इसके अलावा आरोपित चनप्रीत सिंह की भी न्यायिक हिरासत 7 मई तक बढ़ गई है। तीनों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पेश किया गया था। अदालत ने जेल अधिकारियों को निर्देश दिया कि केजरीवाल और के कविता को 7 मई को 2 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पेश किया जाए। आपको जानकारी देते चलें कि आबकारी नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने 21 मार्च की शाम सीएम केजरीवाल को 2 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद से वो न्यायिक हिरासत में हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री की एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, जिसमें उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा 21 मार्च को उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी है। अदालत ने 15 अप्रैल को मामले की सुनवाई की, लेकिन ईडी का जवाब आने तक केजरीवाल को तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया। अब देखना यह है कि आने वाले लोकसभा चुनाव पर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का कितना असर पड़ता है। क्या आम आदमी पार्टी दिल्ली की सभी 7 सीटों पर जीत हासिल कर पाती है या नहीं। क्या इस बार भी पिछले चुनाव की तरह आपके हिस्से में मायूसी ही आएगी।